keep thinking about this story. एवरीबॉडी, आज हम एक और पबजी स्टोरी पढ़ने वाले, क्योंकि पिछली बार काफी लोगों को ये चीजें पसंद आई थी, तो आज हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे। और इस बार हम पढ़ने वाले एक ऐसी स्टोरी जिसकी वजह से ये लेक खूनी लेक में बन जाता है, और जब तुम केव के अंदर जाओगे पूरा लेक खून खून होगा, और तुम स्काई देखोगे वो भी खून खून लगेगा। देखो, वीडियो देखने के पहले मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगा, तुमने अगर वो द रन डॉल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लेना, क्योंकि ये वीडियो उससे थोड़ी लिंक है। एनीवेज, शुरू करते हैं। तुम्हें पता होगा, दनन डॉल वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था मायन लोग केव में लड़कियों की बलि चढ़ाते थे, और वो बलि इस केव में चढ़ाई जाती थी। और जो केव में जो तुमने टावर जैसा देखा होगा, वहां से बलि चढ़ाई जाती थी, उनका वहां से गला काटते थे ताकि उनका जब खून गिरे वो सारा लेक में गिरे, और जिसकी बलि चढ़ती थी उसकी बॉडी को मंदिर में ले जाया करते थे, और वहां पे जाके उनकी आत्मा को दनन वाली डॉल में कैद किया जाता था। और जिनकी बलि चढ़ाई जाती थी उनकी बॉडी एक सीक्रेट पैसेज से ले जाया करते थे लोग, जो तुमने सीक्रेट सा रास्ता देखा होगा जो केव के कोने से जाता है, और केव में जो ये सारे पार्ट्स है ना, वहाँ पे पादरी और पंडित खड़े रहते थे जब बलि चढ़ाई जाती थी। बट अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से लेक खून में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सब एक लड़की की आत्मा की वजह से हुआ। गलती से बलि चढ़ाने वाले लोगों ने एक ऐसी लड़की की बलि चढ़ाई जिसके पेरेंट्स नहीं थे, ना ही उसका कोई घर था, और जब उसकी बलि चढ़ती कोई उसकी बॉडी को लेने नहीं आया था क्योंकि उसका कोई था नहीं, इसलिए उसकी आत्मा इस केव में फंसी रह जाती है। और कभी कभी तुम्हें सुनाई देगा, Help me! Help! Help me! गांड फटी गई हूँ मोटा भाई। इसलिए कभी कभी तुम लेक में कूदोगे तो तुम देखोगे वो लेक खून जैसी कलर की होगी और स्काई अंदर रेड हो जाएगा। और ये स्टोरी मैंने रेडिट पे पढ़ी थी, मुझे लगा था मैं ये चीज कर लूंगा। मैं सुबह के 9 बजे से बैठा हूँ और शाम को जाके 4 बजे ये चीज हुई है। अब मुझे नहीं पता ये लैग है या ग्लिच, बट एनीवेज ये थी रेडिट स्टोरी। और मैं एक दो कमेंट्स पढ़ने चाहूंगा जो तुम लोगों ने पिछले वीडियो पे पढ़े थे। भाई, आपकी रियल वॉइस सुनाओ। देखो, पिछले वीडियो में मैंने फेस कैम किया था और मैंने उसमें वॉइस हल्की सी भी एडिट नहीं की थी, उसमें भी लोग बोलते हैं भाई अपनी रियल वॉइस सुनाओ। मतलब यार, ये लोग तो वही लोग हैं जिनके सामने असली भूत भी आ जाएगा ना, तो ये बोलेंगे बाप के सामने प्रैंक करता है साला मदरचोद। और यार, नए हो तो सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसी और स्टोरी सुननी हो, और लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। सो दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई एम फाइन।